ओलंपिक्स में भारत की पुरुष हॉकी टीम ने इतिहास रचा है। 41 साल बाद ब्रॉन्ज मेडल जो है भारतीय हॉकी टीम जीती है और आज के इस मैच में जर्मनी को हराया है 5-4 से। हमारे साथ पूर्व हॉकी टीम के कप्तान हैं प्रगट सिंह जी, उनसे बात करेंगे इस मैच को लेकर और ये जो उपलब्धि है। प्रगट जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो इस मैच के लिए, खुश तो बहुत हैं आप आज? नहीं, ये पूरे देश के लिए मेरा ख्याल बधाई की बात है, और क्योंकि जिस पैशन ने और प्रोफेशन ने मेरे को यहाँ तक ला के खड़ा किया है, मैं समझता हूँ कि उसके लिए अगर कुछ भी कंट्रीब्यूट कर सका हूँ और उस प्रोफेशन में और पैशन में अगर ऐसी न्यूज़ आती है तो उससे ज़्यादा और खुशी की बात हो नहीं सकती। आज के मैच को कैसे देखते हैं आप? काफ़ी 5-4 से जीती है टीम, एक टाइम में 1-0 से डाउन थी, 3-1 से डाउन थी, कैसे देखते हैं सारे मैच को? देखो, ये मैच बहुत एक्साइटेड मैच था। नॉर्मली ऐसे जो स्पेशली सेमीफाइनल हैं जहाँ थर्ड फोर्थ के लिए खेले जाना वाला मैच या फाइनल मैच इतना एक्साइटेड नहीं होता, लेकिन अगर कोई टीम अर्ली लीड ले लेती है तो उसमें फिर मैच का रिदम बन जाता है। नॉर्मली जर्मनी जो है वो इतनी अटैकिंग नहीं खेलती, वो नॉर्मली डिफेंसिव खेलती हैं, जब भी चांस मिलता है तो उसमें काउंटर अटैक करती हैं, लेकिन आज के मैच में वो स्थिति नहीं थी, क्योंकि वो 3-1 से अप हो के भी उन्होंने हमारी टीम को अलाउ किया पेनिट्रेट करने के लिए। इसका मतलब ये हुआ भी वो भी कहीं उस लय में खो गई जिस लय में नॉर्मली वो खोते नहीं हैं जर्मन्स, क्योंकि बहुत डिफेंसिव खेलते हैं। और स्पेशली जब भी हिंदुस्तान का जर्मन के साथ मैच हुआ है वो हमेशा 2-1, 1-0, 3-2। एक बार जब हमारा चैंपियंस ट्रॉफी का 85 में मैच था, वी वर डाउन बाय 5-1, तो उसमें 5-5 गोल हुए थे। वो भी ऐसा ही मैच था, क्योंकि चलो उसमें बाई चांस मेरा भी एक फील्ड गोल था तो, लेकिन ये है कि आज उससे भी ज़्यादा एक्साइटमेंट वाला ये मैच था। एक वक्त था बीजिंग ओलंपिक्स के लिए भारतीय हॉकी टीम क्वालिफाई नहीं कर पाई थी और आज जो है ब्रॉन्ज मेडल जीती है भारतीय टीम, इसको कैसे देखते हैं? एक टाइम भारत की हॉकी को लगभग राइट ऑफ कर दिया था एक्सपर्ट्स ने कि अब हॉकी का भारत में कोई भविष्य बचा नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखो, इसके ऊपर लॉन्ग टर्म पे काम करने की ज़रूरत है। कोई ऐसी फील्ड नहीं होती जिसमें हमारे बच्चे एक्सेल ना कर सकें, लेकिन उसके ऊपर राइट ट्रैक पे जाने की ज़रूरत होती है, राइट काइंड की पॉलिसीज़ फ्रेम करने की ज़रूरत होती है और उसके ऊपर एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत होती है। तो मेरा ख्याल है कि अगर ऐसा हम किसी भी स्पोर्ट्स में या फॉर दैट मैटर किसी भी फील्ड में करेंगे तो ऐसी कोई बात नहीं कि हम उस लेवल को अचीव नहीं कर सकते। आपने खुद कितने ओलंपिक्स खेले हैं और आज जो भारतीय टीम की अचीवमेंट है उसको कैसे देखते हैं? नहीं देखो, क्योंकि बीइंग एन ओलंपियन और क्योंकि दो टाइम मैंने ओलंपिक को लीड किया है 92 और 96 में, और जो आज की जो टीम है नेचुरली है कि बच्चों में फोकस था, पेनल्टी कॉर्नर हमारा एट पीक लेवल पे था, गोल कीपिंग, क्योंकि हमें बहुत बार ऐसा हुआ है कि टीम बहुत अच्छी है लेकिन गोल कीपर ने कहीं हमें लाइफ नहीं दी, तो आज गोलकीपर, क्योंकि अगर गोलकीपर, पेनल्टी कॉर्नर और पेनिट्रेशन, क्योंकि मिडफील्ड का रोल बहुत होता है लेकिन वो आंका नहीं जाता क्योंकि उसकी मेहनत बहुत होती है। डिफेंस में जब डिफेंस करना होता है तो फिर भी उनकी रोल बहुत होता है क्योंकि उनको भागना बहुत पड़ता है। जो सबसे ज़्यादा भागते हैं वो मिडफील्डर ही होते हैं, लेकिन ये है कि जो फाइनर जहाँ जीत हार होती है वो गोलकीपर होता है, पेनल्टी कॉर्नर एक्सपर्ट्स होते हैं, और जो पेनिट्रेशन फॉरवर्ड लाइन से होती है उससे जो है वो जीत हार आंकी जाती है। अगर जी, हमेशा स्पोर्ट्स को फाइनेंशियली कंपेयर करते हैं हम, जब हॉकी की बात आती है तो क्रिकेट से कंपेयर होता है हमेशा। क्रिकेट में बहुत सारा पैसा है, छोटे लेवल से क्रिकेटर्स खेलने लगते हैं, उनके पास छोटे लेवल पे ही पैसा बहुत सारा हो जाता है। हॉकी को कैसे कंपेयर करेंगे आप ताकि लॉन्ग रन के लिए हॉकी जो है हिंदुस्तान में जो है क्रिकेट की तरह जो है बिल्कुल ग्रास स्टेज पे, तो गवर्नमेंट को थोड़ा सा इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन अल्टीमेटली इसकी मार्केटिंग, और मार्केटिंग में बेसिकली देखो क्रिकेट
में हर ओवर के बाद पॉज आता है, कमर्शियल ब्रेक होती है, लेकिन ये स्पीड वाली गेम है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर वर्ल्ड लेवल पे देखूं तो आइस हॉकी इससे भी स्पीड में खेली जाती है, अमेरिकन फुटबॉल इससे वो भी स्पीड में खेली जाती है। अच्छा, फुटबॉल जो है वो नॉर्मल फुटबॉल है, वो भी सिमिलर टाइप की स्पोर्ट्स है, लेकिन इसकी मार्केटिंग भी हमें, पर इसकी मार्केटिंग हो क्यों नहीं रही थी, क्योंकि हमारा मेडल नहीं आ रहा था, क्योंकि हमने 9 मेडल गोल्ड मेडल जीते हुए हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे जहन में ये चीज़ हमेशा रहती थी कि ये मेडल नहीं है तो ये हॉकी टीम ठीक नहीं है। तो अभी मेडल आया है, मेरा ख्याल है कि इससे मार्केटिंग करने में आसानी होगी, और जो इसकी एडमिनिस्ट्रेशन है, गवर्नमेंट्स हैं, इसको प्रेफरेंस दे के इसको आगे बढ़ावा देंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज कंपेयर करें हम, भारतीय हॉकी जो है एस्ट्रोटर्फ पे अब हॉकी होती है, जब दूसरे देशों की बात करते हैं हॉलैंड वगैरह की, तो 400 से अधिक वहाँ छोटे से देशों में एस्ट्रोटर्फ हैं। क्या करना चाहिए सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर को? हमारे बेसिकली ओवरऑल ही बजट बढ़ाना चाहिए, जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनको भी और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, क्योंकि हमारे जो बजट हैं वो बहुत मीगर बजट हैं। हम इसको जो स्पोर्ट्स का एंगल है इसको ऐसे आंकते हैं कि शायद इसकी बहुत ज़्यादा समाज में ज़रूरत नहीं है, बट मैं ये समझता हूँ कि जब से कंप्यूटराइजेशन हुई है, टेक्नोलॉजी आई है, इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो पहले से भी कहीं ज़्यादा हो गई है हमारी यंग जनरेशन के लिए, बच्चों के लिए। सो मेरा ख्याल है कि हमें बच्चों को ग्राउंड्स में लाना चाहिए, फैसिलिटीज़ देनी चाहिए, हर स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना चाहिए, सो दैट कि हमारी एनर्जी जो है वो पॉजिटिवली चैनलाइज होके वो कहीं ना कहीं अच्छे एक नागरिक के तौर पर और अच्छे हेल्दी जो एनवायरनमेंट है हमें क्रिएट करना चाहिए। फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट्स की बात होती है तो आप क्या समझते हैं, जैसे आज पंजाब सरकार ने कहती है कि हम 1-1 करोड़ रुपया देंगे जो हॉकी प्लेयर हैं, तो पॉलिसीज के हिसाब से सरकारें देती है कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, हमारी पॉलिसी है कि हमने 2.5 करोड़ रुपया गोल्ड के लिए और 1.5 करोड़ रुपया सिल्वर के लिए और 1 करोड़ रुपया ब्रॉन्ज के लिए रखा है, तो वो तो इंसेंटिव होगा ही, लेकिन आगे बढ़ाने के लिए बच्चों को, क्योंकि ये तो कर गए, ये आगे भी खेलेंगे, लेकिन हमने आगे भी इसको बढ़ाना है, आगे भी यंगस्टर्स को चांस देना, उसके लिए जो हमें ग्राउंड लेवल पे फैसिलिटीज चाहिए उसको क्रिएट करने की ज़रूरत है। फ्यूचर की बात भी हो रही है हॉकी की, कि जो ये जो टीम है ये कहा जा रहा है कि आगे आने वाले 10 साल के लिए जो है ब्राइट फ्यूचर जो है हॉकी का इंडिया में, वो बता रहे इंडिकेशन। नहीं देखो, बेसिकली यंग बच्चे हैं इसमें, 25 से कम के ज़्यादा हैं, और 25 से ज़्यादा जो है वो मैक्सिमम तीन चार लोग ही हैं, तो मेरा ख्याल है कि कोई ये ऑनगोइंग प्रोसेस होता है, ये नहीं है किसी के कभी इंजरी हो गई, किसी का कुछ हो गया, किसी का कई बारी डाउन ट्रेंड हो जाता है, उसकी परफॉर्मेंस वो नहीं आती, सो ये सारी चीज़ें स्पोर्ट्स में चलती हैं। पंजाब की डोमिनेंस है इस टीम में, हॉकी में, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर, क्या हॉकी को बाकी स्टेट्स में और ज़्यादा अग्रेसिवली ले जाने की ज़रूरत है जो और स्ट्रेंथन करेगी हॉकी? नहीं देखो, मैं तो ये कहता हूँ कि पॉलिसीज़ और इम्प्लीमेंटेशन ये नॉट ओनली इन हॉकी बट सारी स्पोर्ट्स में होनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि आज की तारीख में अगर दुनिया में कहीं किसी देश ने दिखाना है कि उनका यूथ कितना हेल्दी और खुशहाल है, तो मेरा ख्याल है कि स्पोर्ट्स के ज़रिए ही दिखाया जा सकता है, तो उसके लिए हमें गवर्नमेंट्स को बजट बढ़ाने होंगे, गवर्नमेंट को और सिंसियर एफर्ट्स करने होंगे, सो दैट कि यंगस्टर्स इसको भी कहीं ना कहीं प्रोफेशन के तौर पर भी वो आगे बढ़े। आपके कंट्रीब्यूशन की भी बात हो रही है आज, खासकर जब आप डायरेक्टर स्पोर्ट्स थे तो हॉकी एकेडमी जो है वहाँ स्टार्ट की गई थी जालंधर में, वहाँ से काफ़ी ज़्यादा प्लेयर्स निकल रहे हैं, कैसे देखते हैं आप उस सारे इनिशिएटिव को इतने सालों बाद? अब नहीं देखो, मैं तो जिस प्रोफेशन में, जिस फील्ड में भी रहता हूँ, उसकी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का, क्योंकि जितनी देर हम काम नहीं करते, क्योंकि खाली ट्वीट करने से, स्टेटमेंट्स देने से बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता। गवर्नमेंट्स में भी कई बार हमारे जो कई बार पॉलिटिकल सिस्टम में भी जो लोग होते हैं वो स्टेटमेंट्स बहुत देते हैं लेकिन काम की बातें टेबल पे कम करते हैं, तो मेरा ख्याल है कि उसके ऊपर हमें ज़्यादा स्ट्रेस देने की ज़रूरत है, क्योंकि जो हमारी पॉलिसीज़ है उसकी इम्प्लीमेंटेशन है, अगर वो नहीं होंगी तो आपकी स्टेटमेंट क्या होगी? स्टेटमेंट तो दे दी बट उसके साथ साथ काम करने की ज़रूरत है।
लास्टली कल वुमेन हॉकी टीम का मैच है ब्रॉन्ज मेडल के लिए, कैसे देख रहे हैं आप उस मैच को, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? देखो मैं तो लड़कियों के मामले में तो मैं उनको ज़्यादा ये समझता हूँ कि उनकी बहुत उस लड़कों से भी ज़्यादा बड़ी कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि हमारे समाज का जो स्ट्रक्चर है उसमें लड़कियों को जैसे आंका जाता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं आंका जाता, और मैं समझता हूँ कि इससे वुमेन एम्पावरमेंट को भी बढ़ावा मिलेगा, हमारी लड़कियाँ फिज़िकली तकड़ी होंगी, अगर लड़कियाँ तकड़ी होंगी तभी तो हमारा देश तकड़ा होगा, अगर लड़कियाँ वीक रहेंगी तो हम ये कैसे आस कर सकते हैं कि उससे जो है वो लड़के बहुत तकड़े होंगे। सो इसलिए मेरा ख्याल है कि जो लेडीज़ का लड़कों का रोल है, लड़कियों का रोल है, और मैं देखता हूं कि इसमें भी बहुत हम्बल बैकग्राउंड से, क्योंकि जब लड़कियां स्पोर्ट्स करती हैं तो बहुत सी चीज़ों से गुजरना पड़ता है, कोचेज़ होते हैं, कई बार बहुत सी ऐसी सिचुएशंस भी होती हैं जहां लड़कियां अपने को कहीं ना कहीं थोड़ा सा घुटन महसूस करती हैं, मेरा ख्याल है वो ऐसी सिचुएशन से उभर के इस लेवल को अचीव करना अपने आप में एक बहुत बड़ी सफलता है। लास्ट क्वेश्चन प्रगट जी, कि आज का मैच आपको क्या लगता है एक मील का पत्थर साबित होगा हॉकी को गली गली ले जाने के लिए, वैसे क्या आज का मैच जो है? डेफिनेटली देखो ये बच्चे रोल मॉडल होंगे आगे आने वाली जनरेशन के, और जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनको भी इसमें अपना रोल प्ले करना चाहिए, सरकारों को भी रोल प्ले करना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी अपना रोल प्ले करना चाहिए, क्योंकि दे आर ऑल्सो स्टार्स, और मेरा ख्याल है कि उससे ही TRP बनेगी, उससे ही मार्केटिंग होगी, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये आज के लिए बहुत खुशी की बात है। ये थे प्रगट सिंह जी, फॉर्मर हॉकी प्लेयर हैं, ओलंपियन रहे हैं, तो आज का मैच जो है वो डेफिनेटली इनके अकॉर्डिंग मील का पत्थर साबित होगा हॉकी को हिंदुस्तान में गली गली ले जाने के लिए, और इसको रिवाइवल के लिए और सर्वाइवल के लिए।